हाय एवरीवन, श्रेया किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 बैंगन ले लिया है। अब इसका छिलका उतार के इसे काट लेंगे। तो आइए पहले इसे काट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बैंगन मैंने काट लिया है, इसका छिलका उतार के काटा है, और इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के भिगो दूँगी। इससे बैंगन का कलर काला नहीं होगा। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 टमाटर, 3 प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और भुनी हुई मूंगफली। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम हींग डालेंगे। प्याज को मैंने बारीक काट लिया था तो अब ये डालेंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे। लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, इसे भी ब्राउन कर लेंगे। फ्रेंड्स, प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है तो अब मैंने इसमें टमाटर डाल दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, ये हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच मसाला डालेंगे। आधा चम्मच मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाला था। मसाला ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे। बैंगन डाल दिया है मैंने। अब इसे हम ढक कर हाई फ्लेम पर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, ये बैंगन का भरता हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें ये भुनी हुई मूंगफली डाल के मिक्स कर देंगे। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए कितनी जल्दी तैयार हुआ हमारा बैंगन का भरता। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।